अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप ठीक हो सब? इंग्लिश का पीरियड शुरू हो गया है, अब सब बच्चे ये वाली किताब निकाल लें और हम अब इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है? आज का हमारा सबक ये वाला पेज होगा। हम आज ये वाले पेज पर ट्रेसिंग करेंगे क्लास में और साथ साथ हम पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है? आज का हमारा सबक ये वाला है। चलिए निकालिए, पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, फिर उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे। अब मेरे साथ सब बच्चे पढ़ेंगे। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश, पीछे पीछे आवाज़ निकालें, पीछे पीछे आवाज़ निकाल के आपको पढ़ना है। ए फॉर एप्पल। शाबाश। ए फॉर आंट। वेरी गुड। ए फॉर एस्ट्रोनट। वेरी गुड। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल। गुड। ए फॉर आंट। शाबाश। ए फॉर एस्ट्रोनट। ठीक है, अब दोबारा पढ़िए। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल, अच्छी बात है। ए फॉर आंट। शाबाश। ए फॉर एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट। ए फॉर एस्ट्रोनट, सही से बोलें, ए फॉर एस्ट्रोनट। शाबाश। ठीक है, अब सारे बच्चे मेरे साथ ताली बजा के पढ़ेंगे। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश, दोबारा से ताली बजाएंगे। ए फॉर एप्पल। ए फॉर आंट। शाबाश। ए फॉर एस्ट्रोनट। देखा आपने कितनी मज़े की चीज़ पढ़ रहे हैं हम? अभी हम कहानी भी पढ़ेंगे, जब ये चार पेज ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम एक ही कहानी भी पढ़ेंगे। बड़े मज़े की कहानी है, आप सबको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। ए फॉर आंट। शाबाश। ए फॉर एस्ट्रोनट। गुड। अब मेरे साथ फिर ताली बजा के पढ़ेंगे सब बच्चे। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल। गुड। ए फॉर आंट। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं आप सारे। ए फॉर एस्ट्रोनट। गुड, शाबाश। ठीक है, दोबारा से पढ़िए। ए फॉर एलिगेटर। वेरी गुड। ए फॉर एप्पल। शाबाश। ए फॉर आंट। गुड। ए फॉर एस्ट्रोनट। शाबाश। ठीक है, अब बगैर ताली बजा के पढ़ेंगे मेरे साथ। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल। गुड। ए फॉर आंट। वेरी गुड। ए फॉर एस्ट्रोनट। शाबाश, दोबारा पढ़ें। ए फॉर एलिगेटर। शाबाश। ए फॉर एप्पल। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ए फॉर आंट। शाबाश। ए फॉर एस्ट्रोनट। ठीक है, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे।
ए फोर एक्स, शाबाश, ए फोर आर्म, वेरी गुड, ए फोर एरोप्लेन, शाबाश, ए फोर एरो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? दोबारा से पढ़िए। ए फोर एक्स, शाबाश, ए फोर आर्म, शाबाश, ए फोर एरोप्लेन, वेरी गुड, ए फोर एरो। हाँ ठीक है, दोबारा से। ए फोर एक्स, आपको पता है ना एक्स माने क्या होता है? ए फोर आर्म, शाबाश, ए फोर एरोप्लेन, शाबाश, ए फोर एरो, वेरी गुड। अब ताली बजा के पढ़ेंगे मेरे साथ सब बच्चे। ए फॉर एक्स, शाबाश, ए फॉर आर्म, वेरी गुड, ए फॉर एरोप्लेन, शाबाश, ए फॉर एरो, वेरी गुड, शाबाश। दोबारा पढ़िए मेरे साथ ताली बजा के। ए फॉर एक्स, शाबाश, ए फॉर आर्म, वेरी गुड, ए फॉर एरोप्लेन, शाबाश, ए फॉर एरो, शाबाश। ठीक है, अब बगैर ताली बजा के सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। ए फॉर एक्स, शाबाश, ए फॉर आर्म, वेरी गुड, ए फॉर एरोप्लेन, शाबाश, ए फॉर एरो। ठीक है। This is the letter A for apple. The letter A for a astronaut. Thank you.
the letter A for axe. This is the letter A for a apple. This is the letter A for a astronaut. Thank you.
the letter A for a apple. The letter A for a astronaut. अच्छा भाई प्यारे बच्चों, अब हम पेज नंबर 9 का काम करेंगे और पेज नंबर 9 पे हमें आज ये वाले सारे ए बनाने हैं। ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांच लाइनें हमें बनानी हैं और आज हमारे पास डॉट कम है इसलिए हमें एहतियात से घुमाना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू करें। डॉट पहले वाले डॉट पे रखें और इसको ऐसे घुमाएं डॉट से मिलाते हुए, फिर ऊपर ले जाइए यूँ। ठीक है, फिर यहाँ से घुमा के दुम बनानी है। देखा कितना प्यारा ए बनाया मैंने। डॉट पर रखिए,
ऐसे घुमाइए, फिर ऊपर ले जाइए, ऊपर ला के फिर नीचे दुम बनानी है, ठीक है? डॉट पे रखिए, ऐसे घुमाइए, फिर ऊपर ले जाइए, और वहाँ से वापस नीचे लाना है और दुम बनानी है, ठीक है? डॉट पे रखिए, घुमाइए, ठीक है, फिर ऊपर ले जाइए, और वहाँ से वापस नीचे ला के दुम बनानी है, फिर डॉट पे रखिए, घुमाइए, फिर ऊपर ले जाइए, और नीचे ला के दुम बनानी है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों? डॉट पे रखिए, इसको घुमाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर दोनों को नीचे ला के दुम बना दीजिए, ठीक है? शाबाश। डॉट पे रखिए, घुमाइए, ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ला के दुम बनानी है। डॉट पे रखिए, घुमाइए, ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ला के दुम बनानी है। डॉट पे रखिए, घुमाइए, ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ला के दुम बनानी है, ठीक है? आसान होता है ये, दबा दबा के लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा, खूबसूरत। घुमाइए, ऊपर लाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए। डॉट पे रखिए, घुमाइए, ठीक है, ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए। डॉट पे रखिए, घुमाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? दो लाइनें हो गई, अब हम तीसरी लाइन लिखेंगे, ठीक है? डॉट पे रखिए, घुमाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए। डॉट पे रखिए, ऐसे घुमाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए। शुरू कीजिए डॉट से, ऐसे घुमाना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर ऐसे घुमा के दुम बनाना है। डॉट पे रखिए, घुमाइए, ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बनानी है। देखा कितना प्यारा ए बना रहा हूँ मैं, आप सब भी इतने ही प्यारे प्यारे से ए बनाएंगे, ठीक है? डॉट रखिए, घुमाइए, घुमा के ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए। डॉट पे पेंसिल रखिए, घुमाइए, ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बना दीजिए, ठीक है? तीन लाइनें हमारी हो गई, अब हम चौथी लाइन में काम करेंगे। डॉट पर पेंसिल रखिए, घुमाकर ऊपर लाइए, फिर वापस नीचे ला के दुम बना दीजिए। डॉट से शुरू करेंगे, घुमा के ऊपर लाएंगे, फिर नीचे ले जा के दुम बना देंगे। डॉट से शुरू करेंगे, घुमाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे और फिर दुम बना देंगे, ठीक है? सब बच्चे डॉट से शुरू करें, पेंसिल रखें, डॉट से शुरू करें, घुमाएं, ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे ला के दुम बना दें, ठीक है? फिर डॉट से शुरू करें, घुमाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के दुम बनाना है, शाबाश। डॉट से शुरू करें, घुमाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे ला के दुम बना दें, ठीक है प्यारे बच्चों? ये हमारी लाइन हो गई चौथी, अब हम पांचवी लाइन का काम करेंगे, ठीक है? चलें शुरू करते हैं। डॉट पर पेंसिल रखिए, घुमाइए, ऊपर लेके जाइए, नीचे ला के दुम बना दें, शाबाश। डॉट से शुरू करें, घुमाइए, ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाके इसकी दुम बना दें, शाबाश। डॉट से शुरू करें, घुमा के ऊपर लेकर आएं, फिर नीचे लाएं, फिर इसकी दुम बना दें, शाबाश। डॉट से शुरू करें,
घुमाइए, नीचे लाइए, फिर ऊपर लेके जाएं, फिर घुमा के नीचे लाएं और फिर इसकी दुम बना दें। ठीक है, शाबाश। डॉट से शुरू करें, घुमाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे ला के डॉट से डॉट मिलाते हुए दुम बना दें। आखिरी ए लिख रहे हैं अब हम, घुमाइए, नीचे लाइए, ऊपर लेके जाएं, अब यहाँ से वापस नीचे ला के दुम बना दें। शाबाश। ठीक है, तो ये हमने ए बना लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे। आपको पता है ना ऐसे कितनी चीज़ें आती हैं, ए फॉर एक्स, ए फॉर आर्म, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो। ठीक है, दोबारा पढ़ें, ए फॉर एक्स, ए फॉर आर्म, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो। अगली लाइन पढ़ें, ए फॉर एक्स, ए फॉर आर्म, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो। हाँ ठीक है, अगली लाइन पढ़ें, ए फॉर एक्स, ए फॉर आर्म, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो। शाबाश, ए फॉर एक्स, ए फॉर आर्म, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो। ठीक है, आज का काम हमारा ख़त्म हो गया।